नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी आसान और सरल तरीके से 3/4 बाजू कटिंग एंड स्टिचिंग। तो देखिए, जब भी आप 3/4 बाजू बनाएंगे तो उसकी जो लंबाई होती है वो ज्यादातर 13 या 12 इंच की होती है। तो अगर आप चाहें तो इसको बड़ा भी बना सकते हैं, 14 इंच का भी बना सकते हैं। तो देखिए, जैसे हमारी जो साड़ी का कपड़ा है वो इस तरीके से ये बॉर्डर निकला है यहाँ पे, तो ये पूरे पे बॉर्डर लगा हुआ है। तो हमारी मोरी, तो जो हमारी यहाँ पे जो मोरी होती है बाजू की, वो तो आ जाएगी। तो अभी हम इसकी जो कपड़े की चौड़ाई है वो देखेंगे कितनी है। देखिए यहाँ पे चौड़ाई कितनी है वो बता दूँ मैं, इसकी जो चौड़ाई है वो 17 इंच है। तो कभी भी आप देखेंगे जैसे चौड़ाई कम है तो हमें कटिंग जब करते हैं हमें, तो जैसे हम 3 इंच लेते हैं कटिंग पे, तो अगर चौड़ाई कम है तो हम 4 इंच ले लेंगे, 3.5 इंच ले लेंगे। ये जब चौड़ाई कम होती है तो इस तरीके से हम कटिंग करते हैं, 3.5 इंच 4 इंच। इससे क्या है, थोड़ी सी हमारी चौड़ाई ज्यादा हो जाती है। आरोमल में लगाने से पहले हमें एक बात का ध्यान रखना है कि पहले हम बाजू को रख के नापेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसकी जो लंबाई है वो है 17 इंच, तो हमें 17 इंच नहीं रखनी है, 14 इंच रखनी है। तो हम यहाँ पे, क्योंकि इसमें हमें तुरपाई भी नहीं करनी है, बॉर्डर लगा हुआ है, तो हमने यहाँ पे ली है 15 इंच। तो जो भी कपड़ा है ज्यादा उसको काट लेंगे। अब इसके बाद हम निशान लगाएंगे कटिंग का। तो जैसे मैंने बोला, वैसे मैं 3 इंच का निशान लगाती हूँ, तो अगर इसकी चौड़ाई कम है तो हम यहाँ पे 4 इंच का लगा लेंगे इस तरीके से। और इसको हमें देखिए ऐसे ऊपर के साइड लेके जाना है इस तरीके से। अब देखिए, हमें कटिंग करते समय, ये सिल्की कपड़ा है तो थोड़ा सा हमें ऐसे देख के काटना है शेप में, ये देखिए थोड़ा सा गोलाई में। अब इसके बाद यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना एक साइड, इसको अलग कर लेंगे। अब ये बॉर्डर है वो थोड़ा सा छोटा बड़ा हो रहा है, लेकिन मोरी पे आ जाएगा, तो इसलिए मैंने ये नहीं निकाला है, क्योंकि इसकी मोरी है वो छोटी है। यहाँ पे इसकी जो मोरी है वो 10 इंच की है, तो 5 इंच आ जाएगा जब हम सिलाई लगाएंगे ना, तो 5 इंच आ जाएगा, इसलिए मैंने नहीं निकाला है। यहाँ से लगा लेंगे इसकी जो सिलाई। तो अब इसको जोड़ते समय हमें देखना है कि आरोमल में आएगा कि नहीं। ये ब्लाउज है तो यहाँ पे हमें लगाना है आरोमल में। तो इसकी जो फिटिंग की सिलाई है वो निकाल लेंगे पहले। अब इसको देखेंगे यहाँ से इसको ऐसे रखना है इस तरीके से, और इसको ऐसे रखना है, इसको ऐसे। अब देखिए चौड़ाई कितनी ज़्यादा है, आ रही है ना बराबर। अब लगाते हैं, और बाजू को हमें खींचना नहीं है ना आरुमल को खींचेंगे, बस इसके ऊपर रखना है और सिलाई लगानी है। हम बाजू लगाने के बाद अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, जो बाजू की मोरी होती है ना उसके। अब देखिए हमारी मोरी है 10 इंच, तो हम यहाँ पे 5 इंच पे निशान लग इस तरीके से। इसको हमें देखिए ऊपर की साइड ऐसे करके जो फिटिंग की सिलाई है उसमें जोड़ना है। तो यहाँ पे तो हमें डबल लगाना है सिलाई को। अब सिलाई लगाने के बाद जो कपड़ा ज़्यादा लग रहा है वो काट लेंगे। अब देखिए कपड़े को काटने के बाद, अब देखिए यहाँ पे हमारी जो बाजू है वो देखेंगे किस तरीके से लगी हुई है। आप लोग बोलते हैं कि हमारी चौड़ाई कम पड़ जाती है बाजू की। अब देखिए हमारी चौड़ाई 17 इंच का कपड़ा था, तो मैंने ये बाजू लगा ली है, देखिए इस तरीके से बराबर आई है। अब इसी तरीके से हम अपनी दूसरी बाजू लगा लेंगे। अब देखिए हमारी बाजू लग के तैयार है, इसी तरीके से हम अपनी दूसरी बाजू लगाएंगे। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कुछ पूछना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।